योग और तंत्र की अनेक रहस्यमय शक्तियों में कुंडलिनी शक्ति सबसे अधिक रहस्यमय शक्ति है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ कुंडलिनी महाशक्ति के ही अधीन हैं। सनातन धर्म में दो अविनाशी तत्व कहे गए हैं, चेतन और प्रकृति। चेतन को ही ब्रह्मा, परब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर, शिव आदि के नामों से व्यक्त किया गया है। प्रकृति को माया, महामाया, योग माया, ईश्वरी, कुंडलिनी, भुजंगी, कुटिलांगी, कुंडली शक्ति के नामों से जाना जाता है। कुंडलिनी महाशक्ति को ही योग माया कहते हैं। यही कुंडलिनी महाशक्ति चेतन तत्व की अध्यक्षता में संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यही कुंडलिनी महाशक्ति अविद्या रूप से सभी जीवों को बंधन में बांधती है और यही विद्या रूप होकर सभी बंधनों से मुक्त भी कर देती है। हठ योग में कहा गया है, जिस प्रकार समस्त पर्वतों और वनों के साथ पृथ्वी को शेषनाग धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार समस्त योग और तंत्र को कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए हैं। मानव शरीर में कुंडलिनी महाशक्ति सभी रहस्यों और शक्तियों को अपने में समाहित किए हुए सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। जब यह कुंडलिनी महाशक्ति अपनी सुप्त अवस्था को छोड़कर जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित सभी चक्रों और ग्रंथियों का भेदन करके सहस्रार चक्र में स्थित परम शिव में विलीन हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जब सभी चक्रों और ग्रंथियों का भेदन होता है तो चक्रों और ग्रंथियों में स्थित देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं और साधक अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जब तक कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं होता तब तक चक्रों पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होता। केवल चक्रों पर ध्यान करने से चक्रों की ही आंशिक शक्तियों का लाभ ही मिल पाता है। हालांकि चक्रों पर निरंतर ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति के जागरण के पश्चात चक्रों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। योग और तंत्र की सभी साधनाओं का मूल उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ही है। योग और तंत्र की बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जो कुंडलिनी शक्ति को शीघ्र ही जागृत करने में सहायक हैं। ध्यान कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिए योग और तंत्र में अनेक ध्यान की विधियों का वर्णन किया गया है। ध्यान से मन शीघ्र स्थिर होने लगता है और मन के पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने पर ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। ध्यान के बाद प्राणायाम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का उत्तम उपाय है। प्राणायाम से प्राणवायु स्थिर होने लगती है और प्राणवायु के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाता है और फिर मन के पूर्ण रूप से स्थिर होने पर कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने लगता है। योग में साधकों के कल्याण के लिए प्राणायाम की अनेक विधियों का वर्णन किया गया है। योग और तंत्र में अनेक योग मुद्राओं का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ मुद्राएं जो ध्यान पर आधारित हैं, जैसे सांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, योनि मुद्रा आदि, शीघ्र कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक है। नाद योग भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का उत्तम उपाय है। जो साधक कम बुद्धिमान हैं या जिनका चित्त अधिक चलायमान है उनके लिए नाद योग का अभ्यास श्रेष्ठ है। ऋग्वेद में वाग्देवी कुंडलिनी शक्ति स्वयं घोषित करती है कि मैं जिसे चाहती हूँ उसे महान, शक्तिशाली संत, ऋषि और ब्रह्मा बना देती हूँ। कुंडलिनी शक्ति के जागरण होने पर साधक आत्मज्ञानी हो जाता है। साधक के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। भूत, भविष्य, वर्तमान तथा कारण सहित सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है।
अष्ट सिद्धियाँ सहित सभी सिद्धियों की प्राप्ति साधक को हो जाती हैं। साधक अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आने वाले वीडियो में हम आपको कुंडली जागृत कैसे होती है और जागृत होती है तो उसका अनुभव क्या होता है, शक्तिपात क्या है, नाद योग क्या है, योनि मुद्रा क्या है और कुंडली जागरण से जुड़ी हुई कई जानकारी आपको बताएंगे।